प्रदेश सरकार द्वारा दुकानों के खुलने के समय में परिवर्तन किए जाने से नगर के व्यवसाय में शुक्रवार को काफी परिवर्तन देखने को मिला। नगर के अधिकांश व्यापारियों ने इसे अपने लिए और जनहित में राहत भरा कदम बताया और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। इसके लिए DNX मीडिया के रिपोर्टर विश्वेश्वर हिरवानी ने नवापारा के किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, अनाज, बेकरी, डेली नीड्स, ज्वेलरी सहित अन्य व्यापारियों से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि वह सरकार के द्वारा लिए फैसलों के पक्ष में है। वहीं नगर में कुछ व्यापारियों ने अपने सुझाव भी साझा किए। डेली नीड्स व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता, अनाज व्यवसायी शांति प्रकाश भासाणी, संजय भासानी, बेकरी के व्यवसायी जितेंद्र मध्यानी, इलेक्ट्रॉनिक के व्यवसायी सुभाष पारक, ज्वेलरी के व्यवसायी मनोज पारक, कपड़ा व्यवसायी स्वप्नील जैन व वरिष्ठ किराना व्यवसायी ज्ञान चंद्र लालवानी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। लालवानी ने सुबह 9 बजे से 2 बजे तक के समय को 5 बजे तक करने के लिए सभी व्यापारियों की ओर से सरकार का आभार प्रकट किया। सभी ने पूर्व के समय को थकान भरा बताया। पहले कम समय मिलने से तनाव और ग्राहकों की हड़बड़ी का दबाव बना रहता था, साथ ही खुद की सामान खरीदी बिक्री में काफी दिक्कतें होती थी। अब 3 घंटे का अतिरिक्त समय बढ़ने से व्यापार में आर्थिक वृद्धि होगी तो दुकानदार को राहत मिलेगा, लेन देन में गलती नहीं होगी, ग्राहकों को भी राहत मिलेगी, बाहर गांव से नवापारा खरीदी करने आने वाले लोगों को राहत मिलेगी, व्यापारियों को भी थोक माल खरीदने के लिए परेशानी नहीं होगी। इस तरह से सभी व्यापारी सरकार के इस फैसले से सहमत दिखे। मैं ज्ञानचंद लालवानी गोबरा नवापारा से। यहाँ जो शासन ने अभी जो 9 से 2 का बिजनेस टाइम था, दुकान खोलने का समय था, उसे 5 बजे तक किया है, उसके लिए हम शासन का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि 9 से 2 तक के जो समय सीमा थी उसमें हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो पाता था। जो कस्टमर आते थे वो 2 बजे तक तो चले जाते थे, लेकिन उसके बाद जो दुकान की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ कुछ सामान लाना या ले जाना, लोड अनलोड, वो नहीं हो पाता था। उससे शासन ने जो हमें 3 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं, उसके लिए मैं पुनः शासन का आभार व्यक्त करता हूँ और शासन आगे भी ऐसा ही व्यापारियों को सहयोग करते रहेगा, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। 5 बजे तक खुलने में कस्टमर का प्रेशर तो अंदर हुआ, कस्टमर आराम से आ रहे हैं, जो तनाव से काम निपट रहे हैं। आपका नाम? मैं मनोज पारक, मोतीलाल से कुमार पारक, कपड़े का काम है और मनोज विलेज का काम है। अभी जो सरकार ने जो 3 दिन खोलने का जो आदेश दिया है 9 से 5 तक का, 9 से 5 तक का, उसके बदले में 9 से 2 कर दे, लेकिन उसको मंडे टू फ्राइडे पूरा 5 दिन का कर दे, तो उससे सबको सहूलियत होगी। कि दूर से आने वालों को ये नहीं मालूम पड़ पाता कि मंडे खुला है कि ट्यूजडे खुला है, 5 दिन लगातार खुला रहेगा तो सबको सहूलियत होगी। मैं जितेंद्र मध्यानी गंज रोड का व्यवसायी हूँ। जो 2 बजे तक का समय था दुकानदारी का, उसको 5 बजे तक करके शासन ने कुछ हद तक राहत दी है और जो दबाव रहता था ग्राहकों का, उससे हमको थोड़ा निजात मिली है, थोड़ा आराम भी मिल रहा है और बहुत सके तो और कुछ सुविधाएं दे शासन तो हमें और अच्छा लगेगा। जी आपका नाम? कांति प्रसाद भासाणी, मयूर जाल दुकान। जी क्या क्या आज आपने क्या परिवर्तन देखा 5 बजे तक दुकान खोलने के बाद? ये व्यापारी भाइयों के लिए बहुत अच्छा समय है, ये समय के हिसाब से हम लोग आराम से धंधा भी कर पा रहे हैं, आराम से गिराहत भी आ रहे हैं, गाँव के गिराहकों को भी टाइम मिल रहा है और नगर वाले भी बहुत खुश हैं कि व्यापारी भाई लोगों भी खुश हैं और ना हड़बड़ी हो रही है, ना लेने देने में टूट हो रही है, ना मन चिड़चिड़ापन हो रहा है, शांति से काम हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। जी क्या नाम? जी गुप्ता जी बताइए, आज 5 बजे तक दुकान जो खुली है, इससे आपको कैसे लग रहा है? काफ़ी राहत महसूस है हमको और ये समय काफ़ी अच्छा है हम लोग के लिए, मतलब पर्याप्त समय मिल जाता है, सामान जैसे खर्ची करना है कुछ सामान जमाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, ऐसा क्या हमको समय बहुत कम मिलता था, तो इस नाम से ये समय बहुत खुश हैं इस योजना इससे जो इसमें सभी 5 बजे तक खुलने की प्रशासन के साथ। हाँ, हम सहमत हैं और मैं कहता हूँ कि सभी दुकानों के लिए काट लिया जाए। लेकिन कुछ व्यापारी भाइयों ने सरकार को सुझाव देते हुए यह गुजारिश की कि वे पूर्व समय की तरह रखें, लेकिन सभी दुकानों को एक साथ खोलने की अनुमति दें।
वहीं शुक्रवार को 9 बजे से 5 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति से शहर के सदर व गंज मार्ग में सभी दुकानों में भीड़ में कमी आई। ग्राहक अब एक साथ भीड़ के रूप में उमड़ कर हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आराम से खरीदी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाहर गांव से खरीदी करने वाले लोग अब आराम से दोपहर बाद खरीदी करने पहुंच रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग में भी लाभ मिल रहा है, नहीं तो समय के अभाव में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे थे। DNX TV के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।